प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था किस तरह से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एमएस वर्ड में, तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो टॉपिक्स इस वीडियो में मैं कवर करूंगी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की फोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं एमएस वर्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल है अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, एंड देन आप टेक्स्ट को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में सीखेंगे। पैराग्राफ के ऊपर आप शेडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ के ऊपर आप बॉर्डर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुलेट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट्स को आप नंबरिंग कैसे दे सकते हैं, पैराग्राफ इंडेंटेशन के बारे में सीखेंगे, एंड देन सॉर्टिंग के बारे में सीखेंगे। आज जिन ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे एमएस वर्ड में, आपको ये ऊपर ऑप्शंस नज़र आ रहेंगे पैराग्राफ, इसमें जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज हम इसको यूज़ करके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे मेरे पास टू डमी पैराग्राफ्स हैं, इन्हीं के ऊपर मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करके आपको सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइनमेंट की बारी आती है, तो हम अलाइनमेंट सीख लेते हैं। आपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। जो ही मैं क्लिक करूंगी तो आपने पैराग्राफ टैब में देखना है, ये चीज़ हाईलाइटेड है जहाँ पर लिखा हुआ अलाइन लेफ्ट, क्योंकि पैराग्राफ जो होता है वो अलाइन लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एम एस वर्ड में जब भी आप कुछ लिखते हैं वो अलाइन लेफ्ट होता है। तो अलाइन लेफ्ट में हमारे पास होता क्या है कि जो भी टेक्स्ट होता है वो अलाइन लेफ्ट होता है, मीन्स के लेफ्ट साइड से आपके पास स्ट्रेट लाइन में डाटा आएगा, लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा, बट राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपके पास एम्प्टी स्पेसेस आएंगे। ठीक है, ये अलाइन लेफ्ट है। आप इस टेक्स्ट को अलाइन राइट भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल प्लस आर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आपको ये थर्ड ऑप्शन नज़र आएगी पैराग्राफ टैब में ही, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अलाइन राइट हो जाएगा। अब राइट साइड से ये अलाइंड है बट लेफ्ट साइड पे एम्प्टी स्पेसेस हैं। इसी टेक्स्ट को आप अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर सकते हैं या तो, या फिर आपने ऊपर से ये सेंटर की ऑप्शन है आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूँगी तो ये सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में जब आ जाएगा तो अब आप चीज़ नोटिस करेंगे कि लेफ्ट साइड पे भी एम्प्टी स्पेसेस आ चुकी हैं और राइट साइड पे भी एम्प्टी स्पेसेस आई हैं। जो टेक्स्ट आपके पास रिटन फॉर्म में आया वो सेंटर में है। इसी टेक्स्ट को आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आपने ये लास्ट ऑप्शन यहाँ से क्लिक करनी है या कंट्रोल प्लस जे प्रेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाता है। जस्टिफाई में हमारे पास ये होता है कि टेक्स्ट अलाइन होता है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से अलाइन हो चुका है टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट को हम कहते हैं टेक्स्ट क्या हो गया आपका पास, जस्टिफाई हो चुका है। अब नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर भी मैं जस्टिफाई अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस जे जब प्रेस करूँगी तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट जस्टिफाई हो चुका है। तो ये आपके पास फोर ऑप्शंस थी एमएस वर्ड में जिनसे आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ठीक है, अब बारी आती है लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग क्या है, इस पैराग्राफ में इन टू लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है आप उसको अभी देख लें। अगर आपने इस टेस्ट डिस्टेंस को इंक्रीज करने तो आप कैसे करेंगे, आपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जाके क्लिक करने, जस्टिफाई से नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको नज़र आएगी, आप कर्सर लेके जाएंगे तो लिखा हुआ आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करने। यहाँ पे 1.0 पहले से सिलेक्टेड है, मीन्स के बाय डिफ़ॉल्ट जो इनमें लाइन स्पेसिंग है वो 1.0 है। 1.15 करेंगे तो आप देखेंगे कि 1.15 का डिस्टेंस आ चुका है, इसको मैं 1.5 कर रही हूँ। तो अब आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ की ईच लाइन में जो डिस्टेंस आया है वो क्या है, 1.15 सेंटीमीटर आ चुके हैं। ठीक है, ये भी मैंने वन पैराग्राफ के ऊपर आपको करके सिखाया है, बट अगर आपने इन टू पैराग्राफ्स के ऊपर एट अ टाइम करना हो तो आप कैसे करेंगे, आपने इन टू पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करने, देन आपने लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करने, और अब आप यहाँ से इनकी जो लाइंस की स्पेसिंग है आप सिलेक्ट कर सकते हो। 1.5 में करूँगी तो अब आप देखेंगे इन दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर लाइन स्पेसिंग सेम आ चुकी है। इस पैराग्राफ में भी ईच लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है 1.15 सेंटीमीटर है और इस पैराग्राफ की भी 1.15 सेंटीमीटर है। तो आप इस तरह से पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं। मुझे रिकॉर्ड नहीं थी तो इसलिए मैंने कंट्रोल प्लस जी किया, तो ये जो डॉक्यूमेंट है मेरा अपने प्रीवियस फॉर्म में आ चुका है। अब मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप पैराग्राफ इंडेंटेशन कर सकते हैं। तो पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होता है कि अगर आपने इस टेक्स्ट को फर्दर आगे मूव करवाना हो, इस मार्जिन लाइन से, लेफ्ट मार्जिन लाइन से आपने फॉरवर्ड मूव करवाना हो तो आप इंडेंटेशन करते हैं। तो इंडेंटेशन मैं करके दिखा देती हूँ। आपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टू ऑप्शंस नज़र आएंगी। फर्स्ट लिखा हुआ डिक्रीज इंडेंट और सेकंड है आपके पास इंक्रीज इंडेंट। मैं यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करूँगी जो ही, तो आप देखेंगे कि जो मेरा होल पैराग्राफ है वो फर्दर मूव अवे हुआ है मार्जिन लाइन से। ये मार्जिन लाइन थी, इससे
मूव हुआ फर्दर अवे मूव हुआ है, तो क्या हो गया कि इस मार्जिनल लाइन से अवे मूव हो रहा है। अब आप इसको और मूव करवा सकते हैं, आप दोबारा से इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस मार्जिनल लाइन से अवे मूव कर रहा है। अगर आपने टूवर्ड्स मार्जिनल लाइन मूव करवाना है तो आप क्या करेंगे, डिक्रीज इंडेंट करेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे जितनी स्पेसेस ये इंक्रीज हुआ है, फर्दर मूव किया है, तो ये क्या होता है, स्पेसेस 1.275 सेंटीमीटर होती हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास। तो हम इसके किस तरह से कर सकते हैं, पैराग्राफ के कॉर्नर पे जाके आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इंडेंटेशन की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, लेफ्ट पे आप देखें तो लिखा हुआ 1.27 सेंटीमीटर बाय डिफॉल्ट जो इसकी थी, मीन्स के वन इंडेंट इंक्रीज करने से कितनी स्पेसेस में पैराग्राफ नेक्स्ट मूव हुआ है, 1.27 सेंटीमीटर। यही काम आप राइट साइड पे भी कर सकते हैं, पैराग्राफ की इस साइड पे। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ से आप इसको इंक्रीज करें और ये प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा होगा पैराग्राफ अभी यहाँ पे इंडेंटेड फॉर्म में लेफ्ट साइड से। अब इसको मैं राइट साइड से भी कर रही हूँ, तो आप नीचे प्रीव्यू में भी देखते हैं, जो साथ साथ आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसकी इंडेंटेशन कर सकते हैं। बट मुझे ये रिकॉर्ड नहीं है तो मैं अगेन इसको ज़ीरो ही कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल में आप देखें तो यहाँ पे नन लिखा हुआ है, तो नन मीन्स के होल पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप फर्स्ट लाइन को भी कर सकते हैं कि पैराग्राफ की ओनली फर्स्ट लाइन ही मूव हो, बट आगे जो है फर्दर क्या हो जाए, हैंगिंग फॉर्म में आ जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ से नन के ऊपर क्लिक करना है और देन ओके को आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ की इंडेंटेशन कर सकते हैं। देन आपने पैराग्राफ के अलाइनमेंट के बारे में सीख लिया है और पैराग्राफ की इंडेंटेशन कैसे करते हैं आपने ये भी सीख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पैराग्राफ के ऊपर आप बॉर्डर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के ऊपर आप बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने पैराग्राफ की किसी भी जगह पे क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ इस फर्स्ट वाले के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी, तो मैंने क्या करना है कि इसकी किसी भी जगह पे मैंने क्लिक कर लेना है और ये पैराग्राफ जो आपके पास रिबन है इसमें लास्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी बॉर्डर्स, तो आपने इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए या राइट बॉर्डर चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ इसके ऊपर ऑल बॉर्डर कर रही हूँ, मीन्स कि मुझे ऑल साइड्स पे बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम ऑल साइड्स पे। तो इस तरह से आपका बॉटम आपका जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो सकता है पैराग्राफ के ऊपर। अगर आपका बॉर्डर रिक्वायर्ड नहीं है या तो आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर लें या फिर आपने दोबारा उसी पैराग्राफ सेम पैराग्राफ की किसी भी जगह पे क्लिक करना है और बॉर्डर्स के ऊपर अगेन क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ नो बॉर्डर, ठीक है, आपने इस नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है तो बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आपने बॉर्डर के बारे में भी सीख लिया। अब पैराग्राफ की आप शेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपने पैराग्राफ की किसी भी जगह पे क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक कर रही हूँ, आपको ये बकेट नज़र आएगी, बकेट के साथ आपको डाउनवर्ड एरो नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, जिस कलर से आप इसको शेडिंग करना चाहते हो आप उस कलर को चूज़ करोगे और क्लिक कर लोगे तो उस कलर से आपके पास क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा आपका, मीन्स के जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अगेन मैं इस नीचे वाले के ऊपर भी करके दिखा देती हूँ आपको। पैराग्राफ की किसी भी जगह पे आपने क्लिक करना है, देन बकेट के आगे जो डाउनवर्ड एरो है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसका कलर चूज़ कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, जो बैकग्राउंड है आपका कलर वो चेंज हो जाएगा किसका, पैराग्राफ का। अगर मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने इसको रिमूव करना है, अगेन आप कंट्रोल प्लस जी से काम कर सकते हो या फिर आप सेम पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करोगे एंड देन बकेट के आगे जाके आप इसका कलर वाइट चूज़ कर लोगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, उसका कलर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अलाइनमेंट सीख लिए, लाइन स्पेसिंग सीख लिए, आप पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हो और पैराग्राफ के ऊपर आप शेडिंग कैसे कर सकते हो एंड इंडेंटेशन के बारे में हमने सीखा है। अब हम सीखेंगे नंबरिंग के बारे में कि आप अपने पॉइंट्स की नंबरिंग कैसे कर सकते हो। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने पॉइंट्स ऑल जो पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है एंड देन पैराग्राफ के रिबन में आप ऊपर जाके देखेंगे तो 1, 2, 3 लिखा हुआ रहा है, नंबरिंग लिखी हुई आ रही है और इसके साथ ही ड्रॉप डाउन आपके पास डाउनवर्ड जो है वो एरो है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप रोमन में भी नंबरिंग देख सकते हो, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में भी दे सकते हो, स्मॉल लेटर्स भी हैं और कैपिटल लेटर्स भी हैं, इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और आप 1, 2, 3 नॉर्मल जो है आप वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे रही हूँ अलाइनमेंट के लिए, तो मैं क्या कर रही हूँ नंबरिंग ABC में दे रही हूँ। तो आपने ABC में को मैं सिलेक्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी, या तो आप इस तरह से कर सकते हो, अगेन मैं सिलेक्ट करके इसको नंबरिंग को 1, 2, 3 के फॉर्म में लेके आ रही हूँ।
तो ये क्या हो गया मेरे पास, जो मेरे पास पॉइंट्स थे वो नंबरिंग के फॉर्म में आ गए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि थर्ड के बाद आपने न्यू एलिमेंट ऐड करने, तो आप कैसे करेंगे, जहाँ पे GPU लिखा हुआ है इसके आगे मैं क्लिक करूँगी और हिट करूँगी इंटर को, तो मेरे पास क्या हो चुका है, बाकी टेक्स्ट डाउनवर्ड मूव हो चुका है। अब जो फोर्थ पॉइंट है आप अपना जो आपने न्यू टेक्स्ट लिखना है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं बुलेट्स एंड सॉर्टिंग के ऊपर। अब आप किसी भी चीज़ को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट आप देखेंगे सी से स्टार्ट हो रहे हैं, देन जे से, जी, ये आप रैंडम मिक्स्ड मेरे पास वर्ड्स हैं, बट अभी इनके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई नहीं हुई क्योंकि ना तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब आप इनको सॉर्टिंग कैसे कर सकते हो, इन ऑल पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मेरे पास वर्ड्स हैं तो मैं इन ऑल वर्ड्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। देन अब आपने क्या करना है, ए टू जी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको पैराग्राफ के ही रिबन में, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है सॉर्ट बाय पैराग्राफ्स, क्योंकि मैं पैराग्राफ सॉर्टिंग बता रही हूँ आपको, तो मैं यहाँ से पैराग्राफ को क्लिक करूँगी, बट आपने हेडिंग्स को करना है या फील्ड्स को, इट्स अप टू यू। पैराग्राफ्स को ही मैं सिलेक्टेड रहने दूंगी, टाइप टेक्स्ट में रहने दूंगी क्योंकि मेरे पास ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के फॉर्म में है, बट अगर आपके पास नंबर्स हों या डेट हों आप उनकी भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को ही सिलेक्ट रहने दूंगी। एंड देन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑप्शंस में से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग में। असेंडिंग में होगा तो ये ए टू जी जाएगा, अगर मैं डिसेंडिंग में कर दूंगी तो वो जी पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, एंड देन लास्ट वाला मेरा ए वाला होगा। तो मैंने असेंडिंग को यहाँ से चेक मार्क करना है, एंड देन ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरे पास लिस्ट आई है ये सॉर्टेड फॉर्म में है, मीन्स के फर्स्ट ए वाला आ चुका है, देन बी वाला, और लास्ट वाला मेरा के वाला हो चुका है। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आती है बुलेट्स की, तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं बुलेट्स के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो आप कैसे लिख सकते हो, आपने सिंपली इस होल को सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ में फर्स्ट ऑप्शन जो आपको नजर आएगी वो बुलेट्स की है, आपने डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की बुलेट्स अवेलेबल हैं, आपको डिस्क में चाहिए, चेक मार्क में चाहिए, होलो डिस्क चाहिए या सर्कल में चाहिए, इट्स अप टू यू। यहाँ से मैं इसको चेक मार्क के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो लिस्ट आई है वो सॉर्टेड फॉर्म में भी आ चुकी है और इसके ऊपर मैंने बुलेट्स भी अप्लाई कर लिए हैं। अब आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे तो मैंने लिस्ट के ऊपर बुलेट्स अप्लाई किए हैं, आप पैराग्राफ्स को भी बुलेट्स के फॉर्म में कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे था, इसका मैं कलर पहले वाइट चूज़ कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, और इसकी इंडेंटेशन भी डिक्रीज़ कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पैराग्राफ है और इसके ऊपर मैंने बुलेट्स अप्लाई करनी है, तो मैं कैसे करूँगी, आपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में क्लिक करना है और बुलेट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, चेक मार्क वाला है, बट मुझे चेक मार्क नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सर्कल वाला चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। बट मुझे इस होल पैराग्राफ को वन बुलेट नहीं करना, इसके ईच पॉइंट को बुलेट्स के फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ पे मुझे फुल स्टॉप नज़र आएगा आपने उसके एंड पे जाके क्लिक करना है और हिट करना है इंटर को, तो ये नेक्स्ट ये होल जो पैराग्राफ होगा आपका बुलेट्स के फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे आपका फुल स्टॉप नज़र आएगा या जहाँ से आपने न्यू उसको पॉइंट बनाना होगा आपने उस पैराग्राफ में वहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट था पॉइंट बन जाएगा, मींस कि इस पैराग्राफ को मैंने बुलेट्स के फॉर्म में लिख दिया, पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को जो है वो अलाइन कर सकते हो, मींस कि आप अलाइनमेंट कर सकते हो, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हैं। इस होल वीडियो में आपने आज सीखा है कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आप बेसिकली किस तरह से कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।